देखिए दोस्तों, ये है देवरिया ढाने का सीन, कसिया ढाला है और यहाँ पे आप लोग को फल वल मिल जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? घाट पर डाल, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, देवरिया का आप लोग को भी सीन दिखा रहा हूँ बैठे बैठे। ये सुबह का मार्केट का सीन है, देख लीजिए आप लोग। भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया है। और सफर कैसा चल रहा है आपका? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक, मन उदास लग रहा है, थोड़ा हंसते रहिए। उदास ही लेके अभी सफर में जाना है, पता नहीं सफर कब तक। नहीं, वही एक डेढ़ घंटे का लगभग होगा, वही सफर पहुंच देख लीजिए तो। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है कतवाली छोरा। और आप लोगों को गन्ना का जूस यहाँ पे काफ़ी संख्या में उपलब्ध मिल जाएगा। पाँच रुपये मिलता है यहाँ गन्ना का, सब लोग 10 रुपये बेचते। यहाँ पे 5 रुपये का देख लीजिए, 5 रुपये गिलास मिलता है। ये है कोतवाली थाना सामने, और इस साइड है आपका राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान फील्ड है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये है राजकीय इंटर कॉलेज। ये कौन पकड़ लेते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय गुप्ता बंटी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। सो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हूँ इस समय देवरिया बस स्टैंड पे। और देख सकते हैं दोस्तों पूरा तस्वीरें, मैं यहाँ का काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं फिर ज़्यादा कुछ दिखाऊँगा नहीं, मैं आप लोगों को सफ़र करके ही दिखाऊँगा। जो भी दिखाना होगा वो सारा का सारा चीज़। तो दोस्तों मैं जाने वाला हूँ फिलहाल अभी भाट पर रानी के तरफ। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये है देवरिया बस स्टैंड का सीन। आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है बस स्टैंड देवरिया का, चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और करीबन 10 बज रहा है और हम लोग को जाना है भाट पर रानी। यहाँ देख लीजिए आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है। हम कहाँ चल जाए, हम कि सलीमपुर चल जाओगे? सलीमपुर, तो ये सलीमपुर जाएगा? हाई सलीमपुर जाए। सलीमपुर जाए। हाँ तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट भाट पारानी का बस नहीं मिला है, तो हम लोग जा रहे हैं सलीमपुर। सलीमपुर से हम लोग पकड़ेंगे भाट पारानी के लिए बस। तो पूरा तस्वीरें देख सकते हैं, सलीमपुर। सलीमपुर चलिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं बस में और मेरे साथ हैं संदीप भैया। संदीप भैया एक बार हाय बोल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, चलते हैं हम लोग सलीमपुर और सलीमपुर से फिर बस या जो भी है ऑटो ऑटो पकड़ेंगे और हम लोग चलेंगे भाट पारानी। तो इस वीडियो को उन तक देखते रहिए।
खासी सलेमपुर का टिकट 66 रुपये दो लोगों का पड़ा है और देख सकते हैं हम लोग का बस चल चुका है। दिखा दीजिए टिकट, ये रहा टिकट का कुछ। चलो जाएंगे अब ना आगे चल सकते हैं। चलो चलो चलिए आगे। दोस्तों हम आ चुके हैं सलेमपुर और आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत सलेमपुर का मार्केट का सीन। और हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो और हम लोग जाएंगे मझौली राज, फिर उसके बाद से जाएंगे हम लोग घाट पार। तो चलिए वीडियो को इन तक देखते रहिएगा और दिखाते हैं आप लोगों को सलेमपुर का मार्केट का सीन। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और हम लोग चलेंगे मझौली राज। यहाँ पे दोस्तों ऑटो हम लोग का नहीं मिल रहा है, हम लोग पता कर रहे हैं, सभी लोग भाट पार के लिए जा रहे हैं। मझौली वही देखो बताओ सही। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को ऑटो मिलेगा और हम लोग जाएंगे मझौली और ये रहा ओवर ब्रिज जो कि सलेमपुर का। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, वीडियो को पूरा इन तक देखते रहिएगा। दोस्तों हम लोग का टेम्पो मिल गया A few moments later. हाँ भैया 15 पे लगता है, 15 पे लगता है। अरे क्या बताएं, नहीं सत्रह। अच्छा इनके लो 5 मिनट 30 मिनट मार का बहुत ज़्यादा। चलो
हाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है मजौली राज का कुर्सी। रुक जा तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मझौली राज, और ये मझौली राज का मार्केट का सीन है। देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। और मेरे पीछे है किला, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा किला का ही। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, चलेंगे भाटपा रानी, तो भाटपा रानी का भी सीन दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है मझौली का सीन। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को चलते हैं भाट पार्क का सीन दिखाते हैं, और ये पूरा तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध, मैं आपको कभी दिखाऊंगा यहाँ का मंदिर का भी सीन कभी। और ये पूरा तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों, मैं हम लोग शॉर्टकट रास्ता पकड़ के चल रहे हैं, वहाँ से हम लोग को भाट पार्क के लिए गाड़ी मिलेगा। तो दोस्तों, जो मझौली राज का जो किला था उसके सामने से एक रास्ता था, उसी रास्ते से हम लोग आए हैं इस रास्ते पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे भाटपा रानी। तो चलिए दिखाते हैं आपको, वीडियो को पूरा इन तक देखते रहिएगा। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग समोसा वमोसा खाएंगे, और आप लोग को चलेंगे तो भी सीन दिखाएँगे, और पूरा तस्वीरें मेरा कुर्सी दुकान। यहाँ पे थोड़ा हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे या बस, और फिर हम लोग चलेंगे भाटपार, भाटपार का भी सीन दिखाएंगे। तो चलिए खाते हैं पहले कुछ यहाँ का समोसा। अच्छा नहीं है, चलिए दोस्तों यहाँ पे समोसा अपना आ गया। यहाँ पे हैं संदीप भैया। यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर संदीप भैया पानी दे रहे हैं, और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे भाटपार रानी के लिए गाड़ी। पूरा तस्वीरें देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसी रास्ते से आए हैं, ये सीधे आपको जाएगा मझौली राज किला के पास, और ये है बड़वा टोला गांव, और यहाँ पे कुछ इस चीज़ें लिखी गई हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोस्तों देख सकते हैं, ये है भाटपा रानी का मार्केट, और यहाँ पे हमने कुछ नाश्ता पानी किया, और पूरा तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये है भाटपा रानी का मार्केट। तो दोस्तों देख सकते हैं, भाटपा रानी का हॉस्पिटल अस्पताल है, और मार्केट का सीन। ये स्टेशन रोड की तरफ जाएगा सर दोस्तों, ये रोड स्टेशन की तरफ। देख सकते हैं तो यह भाटपा रानी का मेन बोर्ड। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा मैंने आप लोग को भाटपा रानी का मार्केट दिखाया। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है भाटपा रानी मार्केट का पूरा सीन। हमारा
दोस्तों मैं हूँ इस समय भाटपा रानी रेलवे स्टेशन के पास और मैंने आप लोग को कुछ मार्केट का भी सीन दिखाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आया हूँ इधर, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को रेलवे स्टेशन का भी सीन दिखा दूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। दोस्तों मैं बता दूँ धूप बहुत ही तेज़ है तो थोड़ा कैमरा फेस करने में दिक्कत हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है भाटपा रानी का रेलवे स्टेशन और पूरा तस्वीर। तो दोस्तों देख सकते हैं यह भाटपा रानी रेलवे स्टेशन का सीन और यहाँ से आप लोग को ट्रेन वेन मिल जाएगा। A few moments later. तो दोस्तों हम आ चुके हैं भटवा तिवारी जो कि भाटपा रानी के पास में ही पड़ता है। तो हमको आना था भाटपा रानी, तो यहाँ पे एक दोस्त है उसी के यहाँ हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे एक भाई हैं जो कि काफ़ी हम लोग का हेल्प किए हैं और मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस रास्ते पे गाड़ियाँ बहुत कम मिल रही थी, तो ये चीज़ है और भाई हेल्प दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।